डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल खूबसूरत नेचर। अस्सलाम वालेकुम, हैव अ नाइस डे। फ्रेंड्स, आज मैं अपने करेले हार्वेस्ट करने जा रही हूँ और मैं सोचती हूँ इसकी वाइन को हटा दूँ, बट जब भी मैं ऐसा इरादा करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि उसमें करेले ग्रो हो रहे हैं, तो फिर मैं उसको छोड़ देती हूँ। और कुछ करेले मैंने हार्वेस्ट कर लिए हैं और कुछ करेले जो हैं अभी भी लगे हुए हैं, तो उन्हीं को हार्वेस्टिंग आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मैं। ये देखिए, ये अब करेलों का साइज़ बहुत छोटा हो गया है, लेकिन एक दो करेले अभी भी ग्रो हो ही रहे हैं। ये देखिए, कुछ करेले यहाँ पे भी हैं जो कि मैंने पहले ही हार्वेस्ट कर लिए थे, और देखिए ये ख़राब भी होने लगा, ये वाला करेला। तो इस तरह से हम आज की हार्वेस्टिंग आपके साथ शेयर कर रहे हैं। वेलकम बैक टू योर चैनल खूबसूरत नेचर। अस्सलाम वालेकुम, हैव अ नाइस डे। देखिए यहाँ पे भी है एक करेला, इसको भी हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। और एक करेला यहाँ पे है, अब साइज इनका बहुत छोटा हो चुका है फ्रेंड्स, बट हम जो है अभी तक वाइन को हम रिमूव नहीं कर सके क्योंकि अभी भी इसमें छोटे छोटे से करेले आ ही रहे हैं। ये देखिए, और एक ये है। इसमें देखिए ये एक करेला इसमें भी है, ये लॉन्ग है, लंबा वाला है, ये इसको भी ले लेते हैं हम। ये है देखिए, के बाद चलते हैं हम अपनी इस वाइन पर। यहाँ पर देखिए बिल्कुल से नीचे की साइड ये एक करेला है। ये देखिए फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मतलब जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो तो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, लेकिन कुछ नए लोग आते हैं और वो वीडियो को देख के और बस प्यारा सा कमेंट छोड़ के चले जाते हैं, शायद वो सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं चैनल को। तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दिया करें, क्योंकि चैनल अगर ग्रो नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि फिर इसको बंद कर देना पड़ेगा। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी कर लिया करें चैनल को। ये देखिए, तो इस तरह से ये है हमारी आज की हार्वेस्टिंग फ्रेंड्स। बहुत थोड़े हैं ये करेले, बट आप देख सकते हैं कितने अच्छे, कितने फ्रेश से लग रहे हैं। अभी तीन चार जो करेले हैं उनको फिर हार्वेस्ट करने के बाद मैं अपनी सारी वाइन्स को हटा दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो है ये टोमेटो का, चेरी टोमेटो के प्लांट्स हैं, ये दोनों अच्छे खासे बड़े हो गए हैं। और उधर भी एक पॉट में है प्लांट, वो भी दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर प्याज भी ग्रो हो रही है। और ये देखिए, ये इतने सारे ये मेरे टोमेटो के प्लांट्स हो गए हैं, इनके लिए भी मुझे पॉट्स को तैयार करना होगा। ये फ्रेंड्स देखिए, ये मेरा वही वाला पॉट है जिसमें मैंने अरुई ग्रो की थी और इसके अंदर से पत्ते भी आए थे। और अब ये देखिए, अब पत्ते आना बंद हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि ये मुझे लग रहा है अरुई है, और मैं अरुई नहीं ग्रो कर पाती हूँ, होती नहीं है मेरे यहाँ अरुई। बट ये देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ऐसा लग रहा है कि शायद ये अरुई हो, बट नहीं है, अरुई नहीं निकली। चलिए कोई बात नहीं, पत्ते तो बहुत सारे निकले और हमने पत्ते के पतोड़े भी बनाए, कुछ कमी रह जाती होगी मेरी मिट्टी में। ये देखिए, ये है अरुई,
और अभी इसके अंदर से ये स्प्राउट फूट रहा है। पता नहीं इसमें पत्ता और निकलेगा या नहीं, ये तो कहना मुश्किल है। बट ये इतनी सी यही अरुई मुझे मिली है। पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे गार्डन में अरुई भी ग्रो हुई, वो भी इतनी छोटी सी। गोबर की खाद वगैरह असल में मुझे नहीं मिलती है फ्रेंड्स, उसी से शायद ये ग्रो नहीं हो पाती है, अरुई नहीं हो पाती है। बहरहाल जो भी हो, तो ये थी मेरी आज की छोटी सी एक वीडियो। और आपको वीडियो कैसी लगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।